प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के कोलाघाट में क्षेत्रीय पंचायत राज सम्मेलन को संबोधित करते हुए बंगाल में पंचायत चुनाव में हिंसा को लेकर जमकर टीएमसी पर निशाना साधा। इसके साथ ही मणिपुर हिंसा को लेकर भी विपक्ष के रवैये और लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के रवैये की कड़ी आलोचना की और कहा कि मणिपुर के लोगों के साथ विपक्षी गठबंधन ने विश्वासघात किया है। अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती तो घमंडिया गठबंधन की पोल खुल जाती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला है, जिसे पूरे देश ने देखा है। इस अवसर पर कोलाघाट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित बंगाल भाजपा के आला पदाधिकारी भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के कार्यकर्ता मां भारती के लिए, पश्चिम बंगाल गरीब भाई बहनों के लिए जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, एक प्रकार से साधना कर रहे हैं। अपने आप को तिल तिल कर जलाकर पश्चिम बंगाल के पुराने वैभव को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में टीएमसी ने कैसा खूनी खेल खेला है, इसे देश ने देखा है। पहले चुनाव में तरीका क्या है? चुनाव की तारीख का समय नहीं दो, फिर विरोधी दल बीजेपी का नेता पर्चा नहीं भर सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए जो कुछ भी कर सकते हो और करो, और मानो कि उसने फॉर्म भरा ही नहीं तो चुनाव लड़ने में अड़ंगा लगाना, प्रचार करने नहीं देना और धमकियां देना, ये आम बात है। साथ ही वोटरों को भी भयभीत करते हैं, भाजपा के समर्थक और रिश्तेदारों को भी जीना मुश्किल कर देना, घर से निकलने नहीं देना, वोटिंग में ठप्पेबाजी करने और टोलाबाजी की फौज ठप्पेबाजी की फौज बन जाती है। फिर काउंटिंग होता है तो एक एक वोट पर अड़ंगे डाला जाता है। पीएम ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता का प्यार है, बीजेपी की जनता को आशीर्वाद देते रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी जीतते जा रहे हैं। अगर जीत जाते हैं तो जुलूस नहीं निकालने देना, जानलेवा हमला करना, पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति का यही तरीका है। पीएम मोदी ने कहा कि वहां अपनी बहनों और हमारी आदिवासी बहनों को कैसे प्रताड़ित किया जाता है, इसे भली भांति जानते हैं। इस हालातों में भी भाजपा के प्रतिनिधि जो जीत कर आए हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। वो ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, आपने उनका नकाब देश के सामने उतार दिया है। पूर्वी भारत एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ हमेशा से भाजपा की प्राथमिकता रही है। इस क्षेत्र के लोगों की आकांक्षाओं की पूरा करने की जिम्मेदारी है और हमें अपनी क्षमता बढ़ानी है। पूर्वी भारत की उपेक्षा हुई है, देश की प्रगति को चोट पहुंचाई गई है, इस खाई को पाटने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड, बंगाल और पूर्वी भारत के विकास पर भाजपा सरकार ने ध्यान दिया है। यहाँ एम्स और ट्रिपल IIT बनाए गए हैं, इससे इलाके के विकास के साथ साथ रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि 14 अगस्त को विभीषिका दिवस का पालन किया जाएगा, 15 अगस्त को हर घर तिरंगा का कार्यक्रम होगा। पश्चिम बंगाल के लोग अभी भी विभाजन के दर्द को नहीं भूलते हैं, अभी भी देश विभाजन का दंश झेल रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।